शिमला बंदरों के आतंक से एक तरफ पहाड़ी प्रदेश हिमाचल के ग्रामीण खेती छोड़ने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ राजधानी शिमला में बंदरों का खौफ आए दिन लोगों को डराता है। शिमला में लगातार बंदरों द्वारा लोगों पर हमला करने के मामले सामने आ रहे हैं। इसी हफ्ते संजौली और सेंट एडवर्ड स्कूल के दो बच्चों पर हमला कर बंदरों ने बुरी तरह घायल कर दिया, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। बंदरों को मारने की भी इजाजत है, लेकिन मारने को कोई तैयार नहीं है। शिमला नागरिक सभा ने बंदरों के आतंक को लेकर नगर निगम मेयर को एक ज्ञापन सौंपा और मांग उठाई कि बंदरों को मारने का स्थायी रास्ता निकाले, ताकि बंदरों के बढ़ते खौफ से छुटकारा मिल सके। आज हम इस बात को लेकर मेयर से मिले हैं कि पिछले दो दिन पहले जो शिमला शहर के अंदर बंदरों का कहर इतना बढ़ गया है कि आप देखें, दो दिन पहले 5 लोगों को काटा, और जिसमें एक 70 साल के बुज़ुर्ग भी है और एक बच्चा है संजौली में, स्कूल में पढ़ता है वो, और उसको भी काटा है और PGI में अभी एडमिट है वो। बहुत नाजुक उसकी जो है वो हालात है। हम इस बात को लेके मिल रहे हैं कि आप देखें कि 3 बार शहर के अंदर, टाउन के अंदर बंदरों को मारने की परमिशन मिल गई है, लेकिन अभी एक भी बंदर नहीं मारा है। अभी 11 जुलाई को आदेश लागू हुए है कि शहर के अंदर जो है वो बंदरों को वर्मिन घोषित किया है, लेकिन इसके अंदर बंदर अभी नहीं मार रहे हैं। और लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप देखेंगे, वन मंत्री हमारे गोविंद ठाकुर जी का बयान आया है कि हम नहीं इसको मार सकते, जो है वो पब्लिक मारेगी। अब पब्लिक बंदूक लेके तो नहीं चलेगी, जब घर से आएगी वो बंदूक लेके तो नहीं चलेगी। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि हमने जो है वो बंदरों की नसबंदी की है, बिल्कुल झूठा दावा है। आप देखें, कोई भी बंदर आपको अकेला नहीं दिखेगा, उसके पीठ पे बच्चा होगा। और ये आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों को जो है वो स्कूल आना जाना, बच्चों को जो पेरेंट्स अभिभावक होते हैं उनको बच्चों को लाना, बच्चों को छोड़ना इतना मुश्किल हो गया है कि आधे आधे घंटे तक वेट करते हैं कि ये बंदर की टोली इस रास्ते से कब हटेगी। हम ये मांग कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर, अभी अधिनियम कानून तो बन गया है कि बंदर को वर्मिन घोषित किया है, लेकिन जब तक ये ठोस रूप से योजना इसकी नहीं बनती है, इसको कैसे मारा जाए। गाँव के अंदर तो पॉइजनिंग इसकी हो रही है, गाँव के अंदर तो ऐसे मार रहे हैं, शहर के अंदर क्या हो सकता है, इस पर विचार करें और एक सेमिनार भी करें जिसमें लोगों को भी बुलाएं और लोगों की भी राय सुने। तो हम इस बात को लेकर आज यहाँ पे आए हैं। आज अगर हमारी बातों पे गौर नहीं होता है तो आने वाले समय के अंदर हम लोग जो है वो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे, और ये बहुत बड़ा इशू है। ये अच्छा फैसला है। देखो, 169 पंचायतों के अंदर, जिसमें गांव भी है, शहर भी है, टाउन भी है, उनके अंदर जो है वो बंदरों को मारने की परमिशन दी है, लेकिन गांव के अंदर तो ये लोग मार पा रहे हैं, इसमें शहर में कैसे मारेंगे, गोली चलाएंगे लोग, पब्लिक गोली चलाएगा, तो ये कोई सोल्यूशन इसका जो है वो नहीं है। इसको टेक ओवर करना पड़ेगा, सरकार को, गवर्नमेंट को, और MC को जो है वो इसकी योजना बनानी पड़ेगी बंदरों को मारने की। ट्रेन शूटर जो है वो इसमें गवर्नमेंट, रिटायर्ड फौजी है हमारे, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अनुभव है बंदरों को मारने का या जंगली जानवरों को मारने का, जो भी पीड़ित जानवर है उनको जो है वो मारने का अधिकार जो है वो किसने दिया है। गवर्नमेंट अगर दे रही है तो टेक ओवर इसको भी सरकार को देखने की जो है वो जरूरत है। नागरिक सभा के सचिव कपिल शर्मा ने बताया कि शिमला में बंदर महिलाओं व बच्चों को अधिकतर अपना निशाना बना रहे हैं। शिमला को बंदरों से बचाने के लिए स्थायी हल की जरूरत है। नगर निगम शिमला की मेयर कुसुम सदरेट ने भी माना कि बंदरों की शिमला में समस्या है, लेकिन बंदरों को वर्मिन घोषित करने के बावजूद निगम तय नहीं कर पाया है कि बंदर को मारेगा कौन। अब अन्य जगहों की तर्ज पर शिमला में भी सेवानिवृत्त जवानों को बंदरों को मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा है। देखिए, ये जो है बहुत लंबे समय से समस्या ऐसी आ रही है कि बंदर जो है बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, युवा हैं, सभी को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग इसके लिए कुछ प्रयास नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा, और कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एनिमल अगर क्रूअल एक्ट पढ़ते हैं हम, तो किसी भी जानवर को नहीं मारा जा सकता है। तो उसी के आधार पर अभी आप जानते हैं कि अभी एक फैसला आया है कि उसमें ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ पर ये बंदर हैं उनको जो है मारा जाए, लेकिन मारेगा कौन? क्योंकि ये एक साल पहले भी ऐसा आया था कि जो भी इन बंदरों को मारेगा उनको पैसे भी दिए जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी नहीं मारा। लेकिन अब सोचने का विषय ये है कि इसको किस तरह से किया जाए। अब फैसला आ गया है कि इनको मारा जाए, लेकिन मारेगा कौन?
इसके लिए अभी एक प्रपोजल तैयार करना पड़ेगा, और लेकिन हमको ये वाइल्ड लाइफ वालों के साथ मिलकर ही करना होगा। उसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे, हाउस में भी आएगा, हाउस में मुद्दा आएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे कि इस पर हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है एक कमेटी गठित करें, कमेटी के माध्यम से जो है किसी एक व्यक्ति को जो है इनको मारने का दायित्व दिया जाए, क्योंकि और जगह भी कहीं ऐसा हुआ है कि जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको जो है ये मारने का काम दिया जा रहा है। हो सकता है शिमला में भी कुछ इस तरह का हो, लेकिन इस पर अभी विचार विमर्श करना बाकी है, इसलिए कुछ कहना ठीक नहीं होगा। आदर्श हिमाचल के लिए शिमला से प्रियंका चौहान की रिपोर्ट।